जब देश को जरूरत होती है दंगाइयों और उपद्रवियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की और न्याय को स्थापित करने की, तब स्टेट आर्म पुलिस फोर्स का काम शुरू होता है। वैसे तो हर स्टेट की आर्म फोर्स पुलिस अलग होती है और हर राज्य उन्हें अलग अलग नाम से संबोधित करती है। इसी तरह बिहार मिलिट्री पुलिस का नाम स्टेट आर्म फोर्स के रूप में पहचाना जाता है, जिसका मुख्यालय पटना में है। 16 बटालियन अपने आप में समेटे हर बटालियन में 1000 की टीम और एक भारत के निवासी गोरखा बटालियन भी है, जो उच्च गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए ट्रेंड होती है। इसी बिहार मिलिट्री पुलिस के एक शख्स ने अपने आप को यहाँ की मेहनत में पकाया और अपनी सेवाएं दी, फिर यहाँ से निकल अपनी किस्मत के दरवाजों को खोला, मेहनत को नई दिशा दी और बना सेफ शॉप प्राइवेट लिमिटेड में डायमंड लीडर। मिस्टर मुरारी कुमार, खुसरूपट्टी, जिला मादीपुर, बिहार। यह निवास था स्वर्गीय श्री भागेश्वर ठाकुर का, जो अपनी पत्नी श्रीमती पार्वती देवी और 5 बच्चों का लालन पोषण करते और अपनी सेवाएं बिहार मिलिट्री पुलिस को देते। इन्हीं के चौथे बेटे का जन्म हुआ 1/10/1983 को, नाम रखा मुरारी कुमार। अध्ययन करने का प्रथम विद्यालय बना प्राथमिक विद्यालय खुसरूपट्टी, फिर मुरलीगंज के मिडिल स्कूल से 8वीं तक की शिक्षा ली, 10वीं कर्पूरी ठाकुर विद्यालय दरभंगा से पूरी की, राजकीय विद्यालय से 12वीं पास की, स्नातक करने KS कॉलेज दाखिला ले लिया। यहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तैयारी में लग गए। पिता की मृत्यु 1998 में हो गई थी, तो आर्थिक हालात सुधारने का प्रयास करने लगे। समय गुजर रहा था, माँ ने समय देख 6/2/2003 को मुरारी का हाथ नीतू के हाथ में थमा दिया। पत्नी अपने साथ सौभाग्य साथ ले गए। पत्नी के कदम घर में पड़ते ही उनका सिलेक्शन BMP में हो गया। 22/3/2003 में बिहार मिलिट्री पुलिस में ही नौकरी लग गई। अब आय का साधन बन गया। नौकरी में मेहनत करते और परिवार के साथ समय व्यतीत करते। 2 बच्चों के पिता बने, बेटा आयुष और आरब, अपने पिता के दुलारे। अब इनकी शिक्षा की व्यवस्था इनका मुख्य उद्देश्य बन गया। समय गुजर रहा था, इन्हीं बच्चों को पढ़ाने वाले कुमार रवि रंजन एक बार घर पर आए, बातों बातों में सिस्टम के बारे में बताया तो उसे ज्वाइन कर लिया। प्लान अच्छा था तो धीरे धीरे काम करने लगे, पर पत्नी को भरोसा नहीं था, वो विरोध करती, पर मुरारी अपने निर्णय में अडिग रहे और जहां पोस्टेड थे दरभंगा से ही काम करने का निर्णय लिया। नौकरी अच्छी थी तो पहचान भी अच्छी थी, पर जब लोगों को इसके बारे में बताते तो लोग मजाक करते और उसको ज्वाइन नहीं करते, पर मुरारी अपने काम में लगे रहे।
गम के बादल हैं छाए, पलकों के साए साए, कैसा ये लम्हा रे, जाने कहाँ छुपा तू, सुना सुना है जग, दुआ मेरी तू सुन रे, चाहे जहाँ है कहीं कर दे करम बंधु। हे कहाँ है तू ओ दाता, मेरा दिल है यहाँ पे रोता, ना मंजिल ना ही रास्ता, कोई दिशा तो दे दो, हम बेसहारों का तो है एक सहारा तू, मेरे बिना ना कोई है मेरे सफर का साथ, ओ रब्बा रे। ना जिनको फिर हम पाते, खो देते हम जिनको, क्यों यादें उन्हीं की आती, गम के बादल है छाए, पलकों के साए साए, कैसा ये लम्हा रे, गम पे बादल है छाए, पलकों के साए साए, दुआ मेरी तू सुन रे। एक दिन अपनी कमियों को समझा तो उसे दूर करने के लिए एक गुरु की तलाश की, ट्रेनिंग कर उनको पूरी तरह से दुरुस्त किया, जहां जो कमियां थी उसको निकाला, प्लान की जानकारी दी, सिस्टम को समझाया, उनके व्यक्तित्व को निखारा, और जब सीख कर मुरारी बाहर आकर लोगों से मिलते तो उनका प्रभाव लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता। वो टीम को बनाने के लिए काफी था। धीरे धीरे सिल्वर टोपाज लेवल तक होता हुआ सफर आज कई सारे अचीवमेंट के साथ 10,000 की संख्या तक पहुंच चुका है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनी सेफ शॉप में डायमंड लीडर तक पहुंचे मिस्टर मुरारी कुमार। लोचनाए दिगंबराए अति विशिष्टम विराट रूपम ओजस अनुपम सुखम प्रदाता सदा वसंतम मनः शिवा। हौसलों की बुलंदी रोशनी बढ़ती जाती, हौसलों की बुलंदी रोशनी बढ़ती जाती, धरती अंबर वावे है धर 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 सिकंदर अरमानों का हमी समंदर आसमान के सिरे बांधते
कवि गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले बलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमट मट मट मंदि नाट मट वर्मयम चकार चंड कांड वर्तम शिव शिव सिद्धि है जस्ट पे सिद्धि है।